यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं प्लांट के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मंदार का फूल है, और गाइस यहाँ पे आप पूरे प्लांट को देख सकते हैं। और गाइस आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने प्लांट को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको आपकी मिट्टी जो है गाइस, उसको सिर्फ प्योर मिट्टी नहीं होना चाहिए गाइस, आपकी मिट्टी में खातू माटी भी होना चाहिए। और गाइस यहाँ पे गाइस हम लोग हमारे गच में केला का छिलका भी डालते हैं, जिससे कि गाइस इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस केला का छिलका डालना गच के लिए। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कितना फूल खिला हुआ है इसमें गाइस, जैसे कि देख सकते हैं गाइस ये देसी मंदार है गाइस, ये वाइट कलर का पूरा वाइट कलर का मंदार होता है। और गाइस इधर में आप देख सकते हैं गाइस ये रोज़ है गाइस, ये ऑरेंज कलर का रोज़ है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लांट को, इसमें भी हमने केला का छिलका डाला है। और गाइस ये है एलोवेरा का पेड़। और गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस ये वाले पेड़ में गाइस बहुत ज़्यादा ही फूल होता है गाइस, ये पेड़ आपको भी उगाना चाहिए। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदार का पेड़ है जो कि अभी छोटा है, और यहाँ पे एक और मंदार का पेड़, और गाइस ये गुलाब का पेड़ है, और गाइस ये वाइट गुलाब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक फूल भी हुआ है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। अगर आप अपने मिट्टी को 4-5 महीने में अगर बदलते रहेंगे तो गाइस आपका फूल बहुत अच्छा होगा। और गाइस आपको अगर आप केला का छिलका डालोगे तो गाइस आपका बहुत ही अच्छा गच होगा। और गाइस अगर आप केला का छिलका से नहीं डालना चाहते तो गाइस उसको केला का छिलका को 5 से 7 दिन पानी में डाल के और उसको ना स्प्रे कर देना गाइस, स्प्रे वाला जो आता है उससे स्प्रे कर देना गच के ऊपर, और गाइस आपका देखना फिर फूल कैसे खिलेगा गाइस। देखिए यहाँ पे अभी नया नया पत्ता उग रहा है इसमें, इसमें गाइस नया नया पत्ता उग रहा है सब फूल का गच में। और गाइस ये भी एक फूल है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये सोचो गाइस इतना छोटा में गाइस इतना सारा फूल, दो फूल हो भी गए इतना छोटा सा गच में गाइस, क्योंकि इसका मट्टी हम लोग बदलते रहते हैं गाइस। देख सकते हैं इसका साइज़ देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने वो उगाया है गाइस, ये है सेफ्टी गाइस, देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा है। और गाइस में कोड़ो भी आने लग गए गाइस, ये छोटा वाला में देखिए। और गाइस जितना भी आप नीचे में देख रहे हैं गाइस, ये सब धनिया है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा धनिया गच है गाइस। और यहाँ पे जो गाइस यहाँ पे एक और मंदार का पेड़ है गाइस, ये भी बहुत अच्छा फूल देता था, लेकिन गाइस में लग चुका है कीड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्किन में देखिए गाइस, जैसे इसमें कीड़ा लग गया गाइस, वरना ये दिन में 10 नहीं तो 15 फूल तो आराम से देता था। और गाइस का पत्ता भी सारा झड़ चुका है। तो गाइस ये भी गाइस एक बार आप ये पेड़ को अच्छा से देख लीजिए गाइस, जब हम इसको एकदम ठीक कर देंगे फिर आप देखिएगा कि इस पेड़ का क्या हालत हुआ था और हम इसको ठीक करके क्या कर दिए। और गाइस यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हमने इतना सारा धनिया उगा रखा है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे और भी धनिया उग रहा है। और गाइस जैसे कि आपको अगर कोई भी फूल वूल जैसे आप चढ़ाते हो और उसको फेंकना नहीं गाइस, उसको सुखा के उसको ऐसे मिट्टी में डाल देना गाइस, गेंदा का गच खुद ब खुद उग जाएगा। और गाइस आप कभी भी मंदार गच लाएंगे तो गाइस देसी वाला ही लाइएगा, क्योंकि गाइस उसमें सबसे ज़्यादा फूल होता है और गाइस वो देखने में भी अच्छा लगता है। और गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये गेंदा का गच गाइस, में अभी इतने इसका साइज़ देखिए, और गाइस इसमें कितना जल्दी कौड़ो हो गया देखिए गाइस, कितना सारा कौड़ो है इसमें। और गाइस यहाँ पे भी गेंदा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो कैसे लगी वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।